वर्षों से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है, तो इसका मकसद क्या है और कब से ये प्रतियोगिता आयोजित होती रही? ये प्रतियोगिता तो यहाँ पे सन 1982 से अनवरत चालू है। पहले तो क्षेत्रीय स्तर पर होती थी, लेकिन सन 2006 से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू हुआ है। इसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ चूँकि ग्रामीण अंचल का ये मैदान है, यहाँ पे खिलाड़ियों को, यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी हैं, गांव के खिलाड़ी हैं, इनको बाहरी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले, इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, ये हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सके, मेरा हम लोगों का मूल उद्देश्य है। इस ग्राउंड पर खेलने वाले तमाम खिलाड़ी रणजी आवाज राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, तो इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी रहे हैं भदोही जनपद के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसी ग्राउंड पर खेल करके किया है? यहाँ से तो कई खिलाड़ी, अभी तो आपका तेजस्वी जायसवाल जो है हमारे यहाँ इसी ग्राउंड से जो है छोटा सा बच्चा था, यहीं से खेलना शुरू किया है। सुजीत शर्मा, उसको शुरुआत में कोचिंग वगैरह देते थे, वो भी यहीं से निकले हैं। सुजीत शर्मा आज कोचिंग दे रहे हैं मास्टर अकादमी के नाम से, पिछले 7-8 महीने से यहाँ से खुद अपनी समिति जो है कोचिंग देना शुरू किया है। उसमें सुजीत शर्मा और हमारे सचिव अमर सिंह जी, ये दोनों लोग बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और यहाँ से संदीप भारतीया एक बढ़िया प्लेयर निकला, आपका एक रणजी इम्तियाज अहमद भी यहीं पर प्रतिभा कर चुके हैं, कई बार यहाँ पर टूर्नामेंट खेले हैं, एक बार 199 रन भी बनाए थे। तो यहाँ पे कई ऐसे शिवम दुबे भी खेल चुके हैं, और तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है वो भी कई संजीव मिश्रा और आपके कैप वगैरह काफ़ी लोग खेल चुके हैं शुरुआती दौर में। आगे इस आयोजन को कहाँ तक ले जाने का मकसद है, क्या आपने सोच के रखा है? मकसद तो अभी है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोग छोटा छोटा चंदा करके, क्योंकि कोई प्रायोजक नहीं है, छोटा छोटा चंदा करके हम लोग किसी तरीके से कराते हैं। अभी तो स्टेट लेवल का हो रहा है, लेकिन अभी इस बार करीब 4 या 5 टीमें जो हैं बाहर, 5 टीमें जो हैं आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र से है, बिहार से है, झारखंड से है, ऐसी कुछ टीमें आ रही हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि बृहद रूप अपना धारण करें, और अगली बार या उसके 1-2 साल बाद अखिल भारतीय स्तर पर हो और यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम का निर्माण। आखिरी सवाल संजय भाई, यहाँ पे चीयर्स लीडर का भी आगमन होता है जो बहुत ज़्यादा आकर्षक में रहता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो दर्शकों की मांग भी, क्योंकि यहाँ के दर्शक जो है एकदम आपको लगता है, लगेगा कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई मैच हो रहा है, ईडन गार्डन में कोई मैच हो रहा है, इस तरीके से हुटिंग करते हैं, इस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। और उन्हीं की मांग थी कि क्योंकि जब हमारा स्तर इतना बढ़िया हो रहा है, यहाँ के खिलाड़ी इतने बढ़िया है, यहाँ के दर्शक इतने बढ़िया है, तो क्यों न उसको भी शामिल कर लिया जाए चीयर गर्ल्स, और क्योंकि अभद्रता भी नहीं होती है, इसलिए तमाम दर्शकों की मांग पर हमने चीयर गर्ल्स।